तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि ये व्हीकल इज मूविंग आने रफ रोड इन ए स्ट्रेट लाइन। भाई रोड भी रफ है, स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे हो सकता है? अगर कहीं भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो वेलोसिटी क्या हो गई भाई? कांस्टेंट हो गई। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका जब डेरिवेटिव लोगे एक्सलेशन ए डीवी ओवर डीटी, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सलेशन जीरो हो गया भाई। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्सलेशन जीरो आ जाएगा, तो उस व्हीकल पे एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो बाहर से जो फोर्स है वो जीरो लग रहा है, प्योर रोलिंग हो रहा होगा। आप रोलिंग अगर पड़े हो गए, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन व्हीकल। दैट अगर तुम देखोगे तो ए ऑप्शन इसमें से सही है, ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन व्हीकल। देखो अगर बाहर से व्हीकल पे फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रह जाएगी ना, एक्सलेशन जनरेट हो जाएगा। एक्सलेशन इज बिगनिंग प्रोड्यूस यूनिट, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन इज बिगनिंग प्रोड्यूस यूनिट, सेंट्रीपिटल तो सर्कल में चलेगा, तो ए ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक है, ये यहाँ पर तुम जो इसके व्हील है वो प्योर रोलिंग कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो इस तरह से बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।